हाय आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या फिर सेक्टोरल बेसिस पर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं इसलिए आज के इस वीडियो में हम नाइन निफ्टी सेक्टोरल इंडस्ट्रीज के उन नाइन स्टॉक्स की बात करेंगे जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं इस लिस्ट में हम इन इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करेंगे निफ्टी आई निफ्टी एफ निफ्टी बैंक निफ्टी एनर्जी निफ्टी फार्मा निफ्टी ऑटो निफ्टी मेटल निफ्टी मीडिया और निफ्टी रियल्टी लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा इन स्टॉक्स के रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमने ट्वेंटी सेवेंबर को मार्केट क्लोज होने के बाद के प्राइजेस को कंसिडर किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स की इस इंडेक्स की पिछले एक साल की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है माइन ट्री लिमिटेड ये एक इंटरनेशनल आईटी कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है इस कंपनी ने पिछले एक साल में 190.08 परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं कंपनी का पी रेशियो 55.09 है और इसका डेट टू तो इक्विटी रेशियो पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 29.71% परसेंट है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.94% परसेंट है पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 11.26% परसेंट के रेट से कंपाउंड हुई है और पिछले पांच साल में कंपनी ने 55.48% परसेंट का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है अब हम बात करेंगे निफ्टी एफ इंडेक्स की इस इंडेक्स की पिछले एक साल की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है रेडिको केंपनी पिछले आठ डेकेट से आई एम एफ एल यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है इस कंपनी ने पिछले एक साल में 157.24 परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं कंपनी का पीए रेशियो फिफ्टी है और उसका डेट टू इक्विटी रेशियो पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी सिक्सटीन है और नेट प्रॉफिट मार्जिन इलेवन पॉइंट सिक्स टू परसेंट है पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट सेवन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट के रेट से कंपाउंड हुई है और पिछले पांच साल में कंपनी ने फिफ्टी नाइन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स की इस इंडेक्स की पिछले एक साल की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे देश का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बैंक है जो पिछले 200 से भी ज्यादा सालों से बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इस कंपनी ने पिछले एक साल में सेवेंटी के रिटर्न दिए हैं कंपनी का पीई रेशियो 12.08 है और इसका डेट टू तो इक्विटी रेशियो 15.06 है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 8.21% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.29% है पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 4.74% के रेट से कंपाउंड हुई है और पिछले पांच साल में कंपनी ने 13.08% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है चलिए अब बात करते हैं निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की इस इंडेक्स की पिछले एक साल की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ये कंपनी पावर जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है इस कंपनी ने पिछले एक साल में 307.98 परसेंट के रिटर्न्स दिए कंपनी का पी रेशियो वन है और इसका डेट टू तो इक्विटी रेशियो टू है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ट्वेंटी है और नेट प्रॉफिट मार्जिन ट्वेल्व है। पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट थर्टी फाइव पॉइंट टू फोर परसेंट के रेट से कंपाउंड हुई है और पिछले पांच साल में कंपनी ने 99.19 पॉइंट वन नाइन परसेंट का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है अब हम बात करेंगे निफ्टी फार्मा इंडेक्स की इस इंडेक्स की पिछले एक साल की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड ये एक फार्मा कंपनी है जो इंजेक्टेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है इस कंपनी ने पिछले एक साल में 61.76 परसेंट के रिटर्न्स दिए कंपनी का पीए रेशियो 57.3 है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो है यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ट्वेंटी है और नेट प्रॉफिट मार्जिन ट्वेंटी है पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 20.77 परसेंट के रेट से कंपाउंड हुई है नवंबर 2021 में इस कंपनी का आईपीओ आया था और अब तक इस कंपनी ने अपने इश्यू प्राइस से ऑलमोस्ट 125 परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं चलिए अब बात करते हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स की इस इंडेक्स की पिछले एक साल की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी 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 लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है इस ने पिछले येबल ऑटोमोब मैन्यूफेक्टीट के रिटर्न्स दिए यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है इसलिए इसके पीई की बात हम नहीं करेंगे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो थ्री है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस है और नेट प्रॉफिट मार्जिन वन है. पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट वन पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट के रेट से डाउन गई है और पिछले पांच साल में कंपनी ने पॉइंट थ्री थ्री परसेंट का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है अब हम बात करेंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स की इस इंडेक्स की पिछले एक साल की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये कंपनी माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और आईआरएम यानी कि इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है इस कंपनी ने पिछले एक साल में 265.29 के रिटर्न दिए कंपनी का पीई रेशियो वन है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो वन है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 6.31 परसेंट है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.09 परसेंट है पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 3.06 परसेंट के रेट से कंपाउंड हुई है और पिछले पांच साल में कंपनी ने वन परसेंट का कंपाउंडेड एनअल रिटर्न दिया है चलिए अब बात करते हैं निफ्टी मीडिया इंडेक्स की इस इंडेक्स की पिछले एक साल की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है सारीगामा इंडिया लिमिटेड ये कंपनी हमारे देश की सबसे पुरानी म्यूजिक लेबल कंपनी है जो कंटेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है इस कंपनी ने पिछले एक साल में मेंसेंट के रिटर्न दिए कंपनी का पी रेशियो एट्टी है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो है यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ट्वेंटी है और नेट प्रोफिट मार्जिन 25.67% है पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 14.8% के रेट से कंपाउंड हुई है और पिछले पांच साल में कंपनी ने 90.52% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है अब हम बात करेंगे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की इस इंडेक्स की पिछले एक साल की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड यह कंपनी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है इस कंपनी ने पिछले एक साल में 115.87 परसेंट के रिटर्न्स दिए कंपनी का पी रेशियो 38.51 है और इसका डेट टू तो इक्विटी रेशियो 0.36 है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 0.14 परसेंट है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.3 परसेंट है पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 12.46 परसेंट के रेट से डाउन गई हैं और पिछले पांच साल में कंपनी ने 17.21 परसेंट का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है तो ये थी टॉप नाइन निफ्टी इंडस्ट्रीज की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं इन सभी कंपनीज के नाम वो कौन से इंडेक्स का पार्ट हैं और उन्होंने पिछले एक साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बाय investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares derivatives mutual fund and or other instruments traded on the stock exchanges